महाकाल के मंदिर में हाई वोल्टेज ड्रामा। ज्यादा शुल्क मांगने पर भड़की महाकाल की भक्त। भगवान के दरबार में चला हाई वोल्टेज ड्रामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अगर आप वहां पर गए हैं तो उसके नियम कायदे कानून से भी अच्छे से वाकिफ होंगे। अमूमन दूर दराज से आए श्रद्धालु दर्शन करने की इच्छा लेकर आते हैं, लिहाजा कई बार वो एक्स्ट्रा चार्ज देकर भी महाकाल के मंदिर में प्रवेश करते हैं। लेकिन हर कोई इस एक्स्ट्रा चार्ज को अफोर्ड कर ले, ये तो मुमकिन नहीं। लिहाजा ऐसे श्रद्धालुओं को आम लोगों के साथ लंबी लाइन में लगना पड़ता है। ऐसी लाइन में लगने वालों का इंतजार भी एक्स्ट्रा चार्ज देकर आगे बढ़ने वाले श्रद्धालुओं के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। मंदिर प्रशासन के इस नियम से कई श्रद्धालु परेशान भी हैं, तो वहीं कुछ खुश भी हैं। लेकिन लोगों की यही परेशानी मंदिर प्रशासन के लिए उस वक्त गले की फांस बन गई जब एक महिला भक्त ने रौद्र रूप दिखा दिया और हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया। इसी के साथ इस महिला भक्त ने सरकार और सिस्टम दोनों की पोल खोल दी। दरअसल महिला भक्त बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब भी उसका नंबर करीब आए तभी 250 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देकर कोई और दर्शन करने चला जाए। जब इंतजार की इंतहा हो गई तो महिला भक्त के सब्र का बांध टूट गया और उसने दरबार में ही हाई वोल्टेज ड्रामा करना शुरू कर दिया। ड्रामा देखकर मंदिर प्रशासन ने उन्हें निशुल्क गर्भगृह में प्रवेश करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने की अनुमति दे दी। इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर है कि मंदिर प्रशासन की तरफ से फिलहाल महिला भक्त के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। वरिष्ठ अधिकारी जो मंदिर के हैं, उनके कहने पे हमने अंदर से उनको दर्शन करवा दिए, दर्शन करके वो रवाना हो गए। क्या कारण दिया जो विवाद कर रही थी महिला? भीड़ ज्यादा थी और भगवान दिख नहीं रहे थे उनको, बोल रही थी सब पैसे जो दे रहे उन्हीं को दर्शन करवा रहे, तो ऐसा तो नहीं है, जो नियम अनुसार है उसके अनुरूप दर्शन कराए जाते हैं। महिला गाली गलौज कर रहे थे। हाँ, गाली दे रही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए डॉक्टर कपिल शर्मा ने लिखा, पैसे दो दर्शन करो, व्यवस्था के खिलाफ महाकाल की भक्त का रौद्र रूप। पिछले कुछ समय से महाकाल मंदिर में 250 रुपए में शीघ्र दर्शन और 750 रुपए में गर्भगृह से दर्शन की स्कीम लागू की गई है। इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए सूर्य प्रताप ने लिखा, दर्शन के नाम पर भी धंधा, भगवान के नाम पर चंदाखोरी, भूमि घोटाला और अब दर्शन के नाम पर वसूली। गरीब घंटों लाइन में खड़ा रहे, अमीर पैसा देकर गरीब को चढ़ाता हुआ दर्शन कर चलता बने। ईश्वर के दर पर तो सबको समान रहने दो, ये व्यवसाय बंद करो। आपको बता दें, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने मंदिर के शीघ्र दर्शन के लिए 250 रुपए प्रति व्यक्ति और गर्भगृह में अंदर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए 750 रुपए प्रति व्यक्ति का शुल्क तय किया है। अगर किसी को जल्दी है तो वो इस एक्स्ट्रा चार्ज को देकर दर्शन कर सकता है। मंदिर प्रशासन के इस नियम को धता बताकर महिला ने सरकार और सिस्टम दोनों की पोल खोल कर रख दी। जाते जाते एक बार फिर से आप ये पूरा वीडियो देखिए और इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। पीछे आना तुम।